सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आई होप कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगे भी ऐसे रहेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे कुछ अपकमिंग इवेंट के बारे में, जो कि दोस्तों आपको हमारे इंडिया और बीडी सर्वर के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अपने जो ईवो गन के टोकन है, जैसे कि अपना ईवो AK हो गया या फिर ईवो MP40 वगैरह हो गया, तो इसके जो टोकन है वो अपने को गिफ्ट स्टोर के अंदर कब देखने को मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पे ईवो गन के जो टोकन थे वो पहले हमारे सर्वर के ऊपर थे, लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर आप चेक करोगे तो आपको किसी भी सर्वर के ऊपर जो टोकन है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो टोकन है वो गरीना फ्री फायर की तरफ से परमानेंटली जो है रिमूव कर दिए गए हैं। तो आप कब तक आएंगे तो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि गरीना फ्री फायर ने जो है परमानेंट रिमूव किया है। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए रिमूव किया है या फिर इतने टाइम तक रिमूव किया है, तो फिलहाल ये जो है परमानेंट रिमूव है। तो अभी तो ये नहीं आने वाले हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी गरीना फ्री फायर देगा या फिर कभी भी इसका कुछ भी निकल के आएगा तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी फिलहाल आपको तो स्टोर से ही खरीदने पड़ेंगे, तो यही सीन है। और यहाँ पे दोस्तों 5th एनिवर्सरी इवेंट आने वाला है, तो इसके स्पेशल में आपको स्टोर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्टोर के अंदर जो डिस्काउंट वगैरह वो आपको बहुत जल्द यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो पूरा पर्टिकुलर स्टोर में डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक एक चीज़ के ऊपर डिस्काउंट अलग अलग करके देखने को मिलेगा। जैसे बैकपैक के ऊपर डिस्काउंट हो गया, और यहाँ पे लूट बॉक्स के अंदर अलग डिस्काउंट हो गया, और अपना फैशन पे जो है अलग डिस्काउंट हो गया। तो आप लोग वेट करो, 10 तारीख के बाद सारे जो डिस्काउंट इवेंट है वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो डिस्काउंट की बात कर ही रहे हैं तो आज हमारे गेम के ऊपर आया हुआ है एक डिस्काउंट इवेंट, जो कि है अपना लकी व्हील। चेदो कि ये झूठ है। तो गाइस, अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने एक परसों डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इस मंथ के ऊपर या तो आपको लेवल अप शॉप इवेंट या फिर जो लकी व्हील इवेंट है वो जरूर से जरूर जो है देखने को मिलेगा। हालांकि इसके अंदर इलाइट पास नहीं है, बट इलाइट पास जो है यहाँ पे हमें हाइड आउट इवेंट के ऊपर गरीना ने पहले ही दे दिया है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि आप जो इलाइट पास है उसको परचेस मत किया करो, क्योंकि जो डिस्काउंट इवेंट वगैरह है वो यहाँ पे निकल के आ ही जाते हैं लगभग हर मंथ। कभी कभी किसी मंथ में नहीं आए तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ पे डिस्काउंट अपने को देखने को मिलता ही है। और बाकी जो आप आइटम है ना वो भी स्टोर से कम खरीदा करो, क्योंकि दोस्तों अभी आप देख रहे होगे कि जो यहाँ पे लकी व्हील इवेंट है यहाँ पे अच्छे खासे आइटम आए हुए हैं, जैसे बंडल वगैरह हो गया, जो यहाँ पे वेब इवेंट में बंडल आए थे, और कटाना स्किन वगैरह हो गया, बहुत सारे आइटम यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है सस्ते में ले सकते हो। तो मेरे को भी यहाँ पे 99 डायमंड के ऊपर ये जो बंडल है यहाँ पे मिल चुका है, तो काफ़ी सही बंडल मेरे को लग रहा है। तो यही दोस्तों यहाँ पे सीन रहने वाला है। तो और ऐसा ही जो यहाँ पे अगला सीन है, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ आएगा अगस्त मंथ, वहाँ पर भी यही रहेगा। तो आपको अगस्त मंथ का जो इलाइट पास है सबसे पहले तो वो परचेस नहीं करना है, और ना ही आपको स्टोर वगैरह से कोई फालतू आइटम वगैरह जो है परचेस करना है, क्योंकि अगस्त मंथ के ऊपर भी जो है डिस्काउंट इवेंट आएगा, और हाईली जो चांस है वो फिलहाल भी मिस्ट्री शॉप के निकल के आ रहे हैं। हालांकि अभी वेट करो आप लोग, क्योंकि अभी जो अगस्त मंथ है स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बस आपके से ये रिक्वेस्ट है कि आप इलाइट पास को मत लेना, ठीक है। तो गाइस, बात करेंगे अपने अपकमिंग इंक्यूबेटर के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पे अगस्त मंथ के ऊपर आने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमारे जो रिटर्न इंक्यूबेटर है वो भी काफ़ी टाइम से हमें इंडिया सर्वर के ऊपर देखने को नहीं मिला है। तो रिटर्न इंक्यूबेटर कौन सा आने वाला है, 5th एनिवर्सरी स्पेशल कौन सा यहाँ पर रहने वाला है, वो भी आपको वीडियो के ऊपर पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करते हैं जर्सी इवेंट के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली जर्सी जो इवेंट है वो यहाँ पे आने वाला है सितंबर मंथ के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक न्यू कॉलेब्रेशन हुआ है फ्री फायर एक्स क्लब अमेरिका। तो इसकी थीम पे भी आपको बहुत सारे आइटम देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से आइटम है देख सकते हैं, आपको एक मेल बंडल देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे इस इवेंट का मेन बंडल रहने वाला है, और इसके ऊपर फाल्को का इफेक्ट वगैरह भी है। देन दोस्तों आपको एक और मेल बंडल देखने को मिल जाता है, तो ये भी यहाँ पे एक नॉर्मल टाइप का बंडल रहने वाला है, इसमें कोई इफेक्ट वगैरह तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। देन दोस्तों आपको एक और यहाँ पे व्हाइट कलर का जो बंडल है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो तीन बंडल है इस कॉलेब्रेशन के मेन बंडल रहने वाले हैं। तो ये तो रहे बंडल, अब इसी कॉलेब्रेशन में आपको जर्सी भी देखने को मिलती है। तो दो नए जर्सी के सेट आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक अपनी येलो कलर की है और अपनी एक ब्लू कलर की है। तो दोस्तों ये जो दो नई जर्सी हैं ये यहाँ पे इस इवेंट के ऊपर आने वाली है। देन दोस्तों आपको एक यहाँ पे खोपड़ी देखने को मिल जाती है, तो ये कौन सा जानवर है आप कमेंट में मुझे बता देना। तो ये जो हैट है ये भी आपको इसी थीम के ऊपर देखने को मिलता है। देन दोस्तों आपको एक फेस पेंट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये फेस पेंट भी आने वाला है। देन दोस्तों आपको एक फाल्को पेट की स्किन हो गया, और यहाँ पे लास्ट में मिलने वाला है एक इमोट। तो ये इमोट भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा इमोट है। तो ये इमोट आपको मिलेगा 500 डायमंड के टॉप में। बाकी दोस्तों इसमें जो मेल बंडल है वो आपको कुछ फेयर व्हील के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। बाकी फ्री रिका तो अभी पता नहीं चला है कि फ्री मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन हाँ फ्री तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि बंडल जो है सारे के सारे ठीक ठाक है। इसके अलावा दोस्तों आपको पैरासूट वगैरह और जो दो बैकपैक की स्किन है वो भी आप पे इसी कॉलेब्रेशन की थीम पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो कॉलेब्रेशन है वो अपना सितंबर मंथ के ऊपर आने वाला है, क्योंकि अगस्त में आपको जो एनिवर्सरी इवेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको कौन सा आइटम सही लगा कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं जर्सी के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों दो नई जर्सी है ये भी आपको देखने को मिलेंगी, और इससे पहले दोस्तों आपको जो पुरानी ओल्ड जर्सी है जो कि काफ़ी टाइम से नहीं आई है, और एक घिसी पिटी जर्सी अपनी जो है सॉकर रॉयल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको एक सॉकर रॉयल देखने को मिलेगा, जहाँ पे नई जर्सी के साथ साथ
जो अपनी जो पुरानी जर्सी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। बात करें पॉसिबल डेट के बारे में, तो 10 सितंबर के बाद ही आपको जो जर्सी का इवेंट है और ये जो क्लब अमेरिका का इवेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग कौन सी जर्सी निकालोगे या फिर कौन से कलर की जर्सी आपके अगर है तो वो कमेंट में जरूर बता देना। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इंक्यूबेटर के बारे में। बेसिकली दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट इंक्यूबेटर है वो रहने वाला है AWM का इंक्यूबेटर, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो इस इंक्यूबेटर में आपको 4 गन स्किन देखने को मिल जाती है। तो चारों गन का रिव्यू दोस्तों आप देख सकते हैं, किसी गन में आपको डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है, किसी में डबल डैमेज देखने को मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों ये जो AWM इंक्यूबेटर है ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंक्यूबेटर रहने वाला है। तो जैसे ही बंडल का इंक्यूबेटर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, और बंडल इंक्यूबेटर के अंदर आपको बहुत जल्द जो है यहाँ पे डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है, 50% का डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों एक और इंक्यूबेटर आने वाला है जो कि यहाँ पे बंडल इंक्यूबेटर रहेगा, जो कि AWM की थीम पे ही सेम है, यानी कि जैसा इंक्यूबेटर का कलर है वही थीम के ऊपर ये जो बंडल का इंक्यूबेटर है वो भी यहाँ पे रहने वाला है, जिसके अंदर भी आपको 4 बंडल देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप मेल और फीमेल दोनों में जो है यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे चारों बंडल में से आपको कौन सा बंडल सबसे अच्छा लगा, तो सबको अच्छा तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मेरे को यहाँ पे जो पिंक कलर का है इसका भी डिजाइन काफी सही लग रहा है, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है वो यहाँ पे काफी सही बनाया गया है। तो दोस्तों ये अपने जो है अपकमिंग 2 इंक्यूबेटर रहने वाले हैं जो कि OV35 अपडेट के ऊपर डिजाइन किए गए। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के रिटर्न के इंक्यूबेटर के बारे में, कि यानी कि जो नेक्स्ट रिटर्न इंक्यूबेटर आएगा वो कौन कौन सा आएगा। तो अभी दोस्तों फिलहाल जितने भी डिमांडिंग इंक्यूबेटर हैं, चाहे वो हमारा गोल्डन सेड हो गया, M1014 हो गया, वो सभी रिटर्न में आ चुके हैं। तो आप दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है सबसे पहले क्लॉन इंक्यूबेटर, देन दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है बनी इंक्यूबेटर। तो बनी इंक्यूबेटर भी काफ़ी टाइम से नहीं आया है, और जो क्लॉन इंक्यूबेटर है वो भी काफ़ी टाइम से नहीं आया है, और जो तीसरा इंक्यूबेटर है वो है अपना MP40। लेकिन दोस्तों MP40 का आपको बता दूं कि MP40 का जो इंक्यूबेटर है वो आपको इस अपडेट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको देखने को मिलने वाला है नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, क्योंकि इस अपडेट के अंदर अपनी जो अदर MP40s हैं, चाहे वो कोबरा होगी, अपनी जस्टिन बीबर वाली MP40 होगी, वो यहाँ पे आने वाली है। तो पोकर का इंक्यूबेटर आपको नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हाई चांस है वो निकल के आ रहे हैं यहाँ पे अपने क्लॉन इंक्यूबेटर के, जो कि आपको अगस्त मंथ में रिटर्न में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही दोस्तों अपने गेम के ऊपर AWM का इंक्यूबेटर आ जाएगा ना, देन उसके बाद ही आपको यहाँ पे जो क्लॉन इंक्यूबेटर है वो देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों पॉसिबल डेट के बारे में, तो 20 अगस्त के आसपास आपको जो क्लॉन इंक्यूबेटर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यही डेट निकल के आ रही है। हाँ, अगर डेट में कोई भी चेंजेस होता है या फिर कुछ भी चेंज होता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो क्लॉन इंक्यूबेटर भी काफ़ी सही लगता है दोस्तों यहाँ पे, और आपको अगर आता है तो कौन सा बंडल निकालना चाहोगे या फिर दोस्तों आप बनी बंडल निकालना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बनी बंडल यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल बनी इंक्यूबेटर है का जो बंडल है उसका जो ब्लू प्रिंट फ्री में भी दिया गया था, तो उसका ब्लू प्रिंट बहुत सारे लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह का ही जो है यहाँ पे अपने इंक्यूबेटर का जो है यहाँ पे सीन निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे KJ गेमिंग भाई ने पूछा है कि 5th एनिवर्सरी की थीम पे MP40 कब आएगी। तो वो आने वाली है अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में। इसके अलावा कबीर फेम भाई ने पूछा है कि जो UMP इंक्यूबेटर है वो कब आएगा। तो UMP इंक्यूबेटर का भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी लीक्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारे राजा विद किंग भाई, हेमंता दत्तो भाई और विकास ठाकुर भाई, साथ ही शेख वाज भाई जिनका नाम है OP सार, तो इनको बिग शाउट आउट मेरी तरफ से। तो कीप सपोर्टिंग और वीडियो को जो है लाइक और जो है शेयर भी कर दिया करो भाई लोग। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ पे क्रिकेट जोन शॉर्ट्स और साथ ही हमारे टॉप म्यूजिक भाई और साथ ही हमारे प्रिजन FF भाई को भी जो है बिग शाउट आउट। और प्रिजन FF ने पूछा है कि इलाइट पास डिस्काउंट आएगा क्या नेक्स्ट मंथ। आएगा नहीं, आने वाला है, बस इलाइट पास को परचेस मत करना। बाकी इवेंट वगैरह बहुत जल्द बता दूंगा, एक बार अगस्त मंथ तो स्टार्ट हो जाने दो मेरे भाई लोगों। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे कल के लिए। तो कल शायद मैं वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉग डालूंगा वहाँ पे, तो हो सकता है तो ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक के मैंने नीचे दिया है। वैसे तो आज तक मैंने बोला नहीं, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो अगर आपने नहीं किया तो आप भी जाके कर सकते हैं। तो कल वहाँ पे मैं डालूंगा एक बार वीडियो। तो अभी दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।